नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम बना रहे साउथ इंडियन स्पेशल चटनी, जैसे कि इडली डोसा उत्तपम में कैसे खाई जाती, वही रिजल्ट मैं आपको देने वाला हूँ। जब आप घर पे जब बनाओगे तो आपको खुद को मालूम है सही चटनी बहुत बढ़िया है और बनाने का तरीका भी बहुत आसान है दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना हो, कमेंट करना ना भूलें। तो चलो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने 2 कप जितना दलिया लिया है दोस्तों, चना रोस्ट कहते हैं, यही नाप से लिया। उसी नाप से हमने क्या किया, 1 कप मूंगफली ली, यानी ये जो नाप दिख रहा है ना, तो यहाँ पे मैंने इसको 2 कप से मैंने दलिया लिया और 1 कप यहाँ, कौन सा भी आप मेजरमेंट ले सकते हो, 2 कप दलिया और 1 कप मूंगफली। अभी यहाँ पर एक मिक्सर जार ले लेना है दोस्तों। यहाँ पर हमने क्या करना है, मूंगफली ऐड कर लेनी है। अभी आप सभी को प्रश्न चिन्ह गिर गया, इन्होंने तो मूंगफली भुनी नहीं है, कच्चा ही डाल दिया, तो टेस्ट कैसे आएगी चटनी में। मैं बताना चाहूँगी, जो हम लोग मूंगफली भूनते उसकी टेस्ट और इसकी टेस्ट में बहुत ही फर्क पड़ता है। आप एक घर पे जरूर ट्राई करना है और हमें कमेंट करना है। देखो ये वाले भुनी हुई मूंगफली और कच्ची मूंगफली में क्या फर्क होता है। पर ये मूंगफली की चटनी जब आप घर पे बनाओगे सही कहते, 1 नंबर रिजल्ट आता है। अभी इसके साथ ही हमें चना रोस्ट डाल देना, यानी कि दलिया डाल देते हैं। यहाँ पे हमने 1/2 इंच जितना इमली ली वो डालने, इसके खाली बी हमें चाहिए नहीं, सिर्फ इमली के ऐसे पलचे में लेके बता देती हूँ, इसी तरह से हमें चाहिए। बी रहेगी तो फिर कड़वापन लगेगा, तो इस बात का आपने ध्यान देना है। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लेना, इतना छोटा सा ही पीस ले लेते हैं। 3 लहसुन की कलियां ऐड कर लेना है। इसके साथ मैं 3 हरी मिर्च डालूंगी दोस्तों। आपको तीखापन कम पसंद हो तो आप 2 भी डाल सकते हो। मुझे थोड़ी इडली डोसा जब मैं बनाती हूँ तो मुझे थोड़ी चटनी तीखी अच्छी लगती, खाने में अच्छी लगती, तो यहाँ पर मैं 3 हरी मिर्च ऐड कर देती हूँ। 1 चम्मच जीरा ऐड कर लेना है। यहाँ पे मैं 4 या 5 मीठे कड़ी पत्ते ऐड करना है। बहुत सारे तो क्या होता है, धनिया डालते, पर धनिया और कड़ी पत्ते में अलग फर्क होता है दोस्तों। धनिया डालने से जो चटनी का साउथ इंडियन की टेस्ट होती है वो आती नहीं। आप मीठे कड़ी पत्ते ऐड करना, एकदम प्योर एकदम साउथ इंडियन चटनी ये बन जाती है और खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। अब इसके साथ हमने डालना है लास्ट में स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। अभी यहाँ पे 1 कप जितना पानी ऐड कर लेना है और 1 कप, यानी टोटल मैंने यहाँ पे 2 कप पानी ऐड किया, उसको महीन पीस लेना है। जैसे हमें पानी इसमें कम पड़ा तो ये वापस इसमें पानी ऐड करना है, और पतला और गाढ़ापन चटनी आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अभी हम लोग जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं वैसी चटनी में, तो उसका वैसे हम लोग बैटर रखेंगे चटनी का। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने कितना महीन पीस लिया, देखो वापस मुझे थोड़ा पानी लगा था दोस्तों। परफेक्टली हमारी ये साउथ इंडियन चटनी रेडी हो गई है। अभी हम इसको एक बाउल में निकाल लेना है। देखो देख रहे हो इसकी परफेक्टली चटनी है ना एकदम, तो यहाँ पे इसमें बाउल में तो हमने डाल रहे हैं। अभी हम इसकी तड़के की तैयारी कर लेते हैं दोस्तों। एकदम मुझे जैसे चाहिए वैसे रिजल्ट आ गया, यानी चटनी का। तो यहाँ पे तड़का का पैन रखना है दोस्तों। यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल डालना है, ऑयल को अच्छी तरह से हमें गर्म कर लेना है। अभी यहाँ पे 1 चम्मच सरसों के दाने ऐड कर लेना है, और इसके साथ ही हमें मीठे कड़ी पत्ते भी ऐड कर लेना। सरसों के दाने को अच्छी तरह से तड़तड़ कर लेना है दोस्तों। और यहाँ पे हमें मिर्च लेनी है साबुत वाली, इसको ऐसे तोड़ लेना है। अभी इसको हमें तड़का देना है और सरसों के दाने को अच्छी तरह से तड़तड़, कच्चापन हमें चाहिए नहीं। कच्चापन होगा तो भी चटनी में जो मजा आएगी वो आएगी नहीं, फिर कड़वी कड़वी लगेगी। तो अभी इसको हमें देख रहे हैं, अभी तड़का तड़तड़ हो रहा है। अभी यहाँ पे तड़का लगा लेना है। वाव, एकदम परफेक्टली हमारा तड़का लग गया है। अभी हम इसको चला लेते हैं। अभी ये हमारी साउथ इंडियन स्पेशल चटनी रेडी हो गई है। मैं उम्मीद करूँगी आप घर पर जरूर ट्राई करेंगे, हमें कमेंट करेंगे कैसी बनी ये चटनी। अभी हम दूसरी चटनी बनाएंगे। अभी यहाँ पे एक पैन रखना है दोस्तों। 1 चम्मच ऑयल डालना है, ऑयल को अच्छी तरह से हमें गर्म कर लेना है, कच्चा ऑयल हमें नहीं चाहिए। अभी यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है। यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच उड़द की दाल ऐड कर लेनी है। इसके साथ हमने डालनी है 1/2 चम्मच चने की दाल। इन दोनों चीज़ को हमें क्या करना है, सॉटे कर लेना है, यानी कच्चापन हमें उड़द की दाल में नहीं चाहिए, अच्छी तरह से गोल्डन कर लेना है, ज़्यादा भी नहीं हल्का सा करना है दोस्तों। अभी आप देख सकते हो हल्का सा कलर चेंज हो रहा है। अभी यहाँ पर हमने क्या डालना है, 1 प्याज डालना है कटा हुआ इसी तरह से। ये चटनी बहुत बढ़िया लगती है दोस्तों खाने में। एक बार घर पे आपने बनाना है और हमें कमेंट करनी है। आप इडली डोसा बनाते हो तो ये चटनी बनाओगे तो बस आप बहुत ही बढ़िया लगे, बार बार यही चटनी बनाने का आपका मन होगा। अभी इसको भी हमें प्याज को भी अच्छी तरह से सॉटे कर लेना है। अभी प्याज हमारे सॉटे हो गए, यहाँ पे 3 बड़े टमाटर कटे हुए डाल देना है। इसके साथ ही हमें डालना है 1 चम्मच जीरा ऐड कर लेना है, और इसके साथ ही हमें डालना है 3 लहसुन की कलियां और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा ऐड कर लेते हैं, और इसके साथ ही हमें डालना है कश्मीरी मिर्ची डालनी है। ये तीखी वाली थोड़ी भी होती नहीं दोस्तों, सिर्फ कलर इसका बहुत अच्छा आता है। अभी यहाँ पर हल्का सा हमें पानी ऐड कर लेना है और इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना है।
अभी आप देखो सारे हमारे टमाटर भी अच्छी तरह से गल गए, पूरे छिलके निकल गए हैं और पानी पूरा सूख गया है देखो इसी तरह से। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, गैस बंद कर देना है और इसको हमें मिक्सर में महीन पीस लेना है। अभी हम इसको मिक्सर में रडाल देते हैं। अभी यहाँ पे मिक्सर जार ले लिया, यहाँ पे सारी सामग्री में ऐड करनी है दोस्तों। यहाँ पे हमें पानी वगैरह नहीं डालना है, लगा तभी डालना है, तब तक तो ऐसे हमें इसको महीन पीस लेना है। अभी यहाँ पे डालना है 1 इंच जितनी इमली लेनी है। यहाँ पे बी वगैरह हमें चाहिए नहीं दोस्तों, इसी तरह से चाहिए। अभी यहाँ पे थोड़े 3 या 4 मीठे कड़ी पत्ते ऐड कर लेना है। इसके साथ में धनिया का यूज़ थोड़ा भी करना नहीं दोस्तों, टेस्ट चेंज हो जाती है, प्योर साउथ इंडियन चटनी की टेस्ट नहीं लगती है। स्वाद अनुसार नमक डाल देना है और इसको हमें अभी महीन पीस लेना है। देखा ना दोस्तों, अभी रेड चटनी भी हमारी रेडी हो गई। मैं लेके बताऊंगी, वाव परफेक्टली है ना। तो अभी इसको बाउल में निकाल लेना है। अभी यहाँ पर मैंने बाउल में निकाल लिया हुआ है, अभी हम इसको तड़का दे देते हैं। अभी यहाँ पे एक तड़के का पैन रखा है, 1 चम्मच ऑयल डालना है, ऑयल को गर्म कर लेना है दोस्तों। अभी इसका अच्छी तरह से हमें कड़क तड़का लगाना है। ऑयल गर्म हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे 1 चम्मच हमें सरसों के दाने ऐड कर लेना है। इसके साथ हमें मीठे कड़ी पत्ते ऐड करना है 4 या 5 और साबुत मिर्च डालनी है रेड वाली टुकड़ा करके। अभी गैस बंद कर देना और तड़का लगा लेना है। अभी यहाँ पे तड़का लगा लेते हैं, एकदम कड़क वाला तड़का, वाव। अभी इसको हमें मिक्स कर लेना है, यानी हाथों से चमचे के साथ इसको सारी चला लेना है, यानी सारी तड़के हमारी चटनी में लग जाना चाहिए इसी तरह से। तो हाँ दोस्तों, घर पे जरूर ट्राई करना है और वीडियो कैसे लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताना है। अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखा ना दोस्तों, मैंने आपको 2 तरीके की साउथ इंडियन स्पेशल चटनी बताई दोस्तों। मैं उम्मीद करूँगी आप घर पे बनाना है और हमें कमेंट करके बताना है। देखो एकदम परफेक्टली जैसे चाहिए वैसे मिल गई ये चटनी, देखो इसका टेक्सचर कितना परफेक्ट आ गया है दोस्तों। तो आज का वीडियो आपको हमारा कैसे लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताना है। नए हो गए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट भी करते रहना है। धन्यवाद दोस्तों।